उस समय बच्चे की बॉडी में कई चेंजेस आ रहे हैं। अब हमें उनको पीरियड्स के बारे में इन्फॉर्म करना है, स्कूल्स में वो पैड्स वगैरह होते हैं तो हम बच्चों को पहले से इन्फॉर्म करें, उनकी वॉइस चेंजेस होंगी, उनके सेंसेशंस चेंज होंगे, उनको फीमेल्स को देख के या मेल्स को देख करके अपोजिट जेंडर में देख करके उनको कुछ फीलिंग्स डेवलप होंगी। बच्चे के लिए बहुत कम्फर्टेबल हो जाएगा कि जो चीज़ होने वाली है उसको ऑलरेडी पता हो। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्स एजुकेशन कैसे दी जाए बच्चों को जिनकी उम्र है 9 से 13 साल, क्योंकि इनके सवाल अब कुछ बदलने लगते हैं, इनकी बॉडी बदलने लगती है, ये रेप के बारे में न्यूज़ में जानने लगते हैं, ये अपनी बॉडी में चेंजेस महसूस करते हैं और ये कॉन्डम की एड्स देखते हैं और मॉडल्स जो कम कपड़ों में होती हैं उनसे कुछ कुछ इनको समझ आने लगता है, तो इस बारे में हम क्या बताना चाहेंगे आप? सर, जो पेरेंट्स हैं पहले से ही बच्चों को 5 साल की उम्र से उनको गुड टच बैड टच के बारे में बताने लगते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बताने लगते हैं, साथ में उनको बताते हैं कि हमें सबके सामने कपड़े नहीं चेंज करने। पर जब 9 ईयर्स से 13 ईयर्स की हम बात करें उस समय बच्चे की बॉडी में कई चेंजेस आ रहे हैं। उसकी जैसे कि एक कोई लड़की है उसकी किसी बच्चे को 9 साल में किसी को 10-11 साल में उनकी साइकिल स्टार्ट होगी। अब हमें उनको पीरियड्स के बारे में इन्फॉर्म करना है। लोग सोचते हैं कि जब शुरू होगा हम तब बताएंगे, पर बच्चे तो पहले से ऐड देख रहे हैं पैड्स वगैरह का है, फिर वो पूछते हैं क्वेश्चंस, लड़कियां पूछती हैं क्वेश्चन, इवन लड़के भी पूछते हैं क्वेश्चन। तो हमें अपने बच्चों को पूरा उनको एजुकेट करना चाहिए और फीमेल्स को हम पहले से प्रिपेयर करें कि बेटा अब आप बड़े हो रहे हो, आपके साथ ये होगा, आप भी एक फीमेल हैं, आपके साथ भी हो सकता है वो 10 साल की या 11 साल की उम्र में आपके भी पीरियड्स स्टार्ट हों, हैं ऐसे ब्लीडिंग होगी, आपको कैसे हेल्प सीख करनी है, आपको बताना है, मुझे बताएं। या जैसे बहुत सारे स्कूलों में अब टीचर्स भी इन इश्यूज़ को बच्चों को लड़कियों को बताने लगे हैं, स्कूल्स में वो पैड्स वगैरह होते हैं, तो हम बच्चों को पहले से इन्फॉर्म करें, मेडिकल रूम में जाके बच्चे वो हेल्प ले सकें। जो मेल बच्चे लड़के हैं उनको हम बताना है क्योंकि उनके हेयर ग्रोज होने लगते हैं, अंडर आर्म्स हेयर ग्रो होने लगते हैं, तो उनको पहले तो बड़ा अजीब सा लगता है, उनकी हल्की हल्की सी लाइनिंग्स आने लगती हैं फेस पर। किसी बच्चे को मैं तो कई बच्चों में देखा जो 13 साल के होते हैं काफ़ी हेयर्स थोड़े आसपास ग्रो होते हैं तो उनको अपनी शक्ल में बड़ा अजीब सा लगता है, फिर वो पूछते हैं। जैसे एक केस था, उस बच्चे ने देखा कि उसके हेयर्स आ रहे हैं तो उसने क्या किया कि अपने पापा का पूरा शेविंग किट खोला और शेप बना ली। तो उसके पापा ने ये क्या किया, बोले मेरे भी दाढ़ी मूछें आ रही हैं। तो अगर हम बच्चों को उस समय एजुकेट करने लगे, उनको बताएं कि ये चीज़ आएगी और कब हमें किस तरीके से प्रोडक्ट यूज़ करना है या इससे आप में क्या चेंज आएगा, उनकी वॉइस चेंजेस होंगी, उनके सेंसेशंस चेंज होंगे, उनको फीमेल्स को देख के या मेल्स को देख करके अपोजिट जेंडर में देख करके उनको कुछ फीलिंग्स डेवलप होंगी, वहाँ पर उनको एजुकेट करें, इन्फॉर्म करें कि ऐसा होना स्वाभाविक है, उसको वो शेयर करें। साथ में लड़कों की वॉइस चेंज होती है, लड़कियों का ब्रेस्ट का इलाज होना शुरू हो जाता है, तो कुछ लड़कियां होती हैं तो थोड़ी सी झुक के चलने लगती हैं या कपड़े बहुत लूज से पहनने लगती हैं, तो पेरेंट्स उनको, मदर खास तौर से क्योंकि वो ज़्यादा नज़दीक होती है लड़की के, तो उसको समझाए कि ये कोई शेमिंग की बात नहीं है, ये तो मेरा भी ऐसा हुआ था, और अपने खुद का एग्जांपल दे, अपनी सिस्टर्स का या जो उनके आसपास जो जिनसे वो अच्छे से रिलेशन बिल्ड करते हों उनके बारे में बताएं। तो ये जानकारी जब हम बच्चों को देंगे तो उससे हम कई चीज़ों से अपने बच्चे को आगे आने वाले, खतरा है तो नहीं कहना चाहिए पर उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होंगे जहाँ वो उनकी सहमति होगी, जहाँ उनकी सहमति ना होगी, तो वो ये समझ सकें कि किस व्यक्ति के साथ मुझे कैसा अपने रिश्ते को बनाना है। जैसे कि मान लीजिए कोई लड़की है, कोई लड़का उसकी क्लास में है, उसका वो उसको टच कर रहा है या उसको क्या कहते हैं उसके प्राइवेट पार्ट्स को पीछे से, बहुत बार देखा जाता है कि वो उनकी लड़कियों के पीछे से हाथ मारते हैं लड़के, तो वो उनको नो कह सकें। तो हम जब भी बच्चों को ये एजुकेट करेंगे, या लड़के आपस में एक दूसरे लड़कों का मजाक उड़ाने लगते हैं, जैसे किसी बच्चे का कम हाइट है या उनके प्राइवेट पार्ट्स को बाहर से उनकी जब वो पैंट्स वगैरह पहनते हैं तो वो उनको चढ़ाते हैं, तो जब बच्चे को हमने एजुकेट किया होगा
बताया होगा, उनके डेवलपमेंट्स के बारे में बताया होगा, तो वहाँ पे उनको शर्म नहीं आएगी, बल्कि वो उस सिचुएशन का सामना कर सकेंगे। जैसे मैम ने आपने फीमेल्स की बात की, उसी तरह मेल्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इरेक्शंस के बारे में उनको बताया जाए, मास्टरबेशन के बारे में उनको बताया जाए, नाइट फॉल होने से पहले उनको नाइट फॉल के बारे में बताया जाए। कई लोगों को सुन के हैरानी हो रही होगी कि 9 से 13 साल की उम्र, 9 साल की उम्र में भी ऐसा बताया जाता है, बट अगर आप गूगल करेंगे या रिसर्च देखेंगे तो उसमें भी यही सारी चीज़ें हैं कि इस उम्र में आपको बता देनी चाहिए। आपके अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट बच्चे के लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा कि जो चीज़ होने वाली है उसको ऑलरेडी पता हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता हो। इवन जैसे पीरियड्स की बात है तो फीमेल्स को बता देनी चाहिए कि नाउ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल बी केपेबल ऑफ बिकमिंग अ बेबी, ये लाइनिंग होती है। और आजकल तो वीडियोज़ दिखा सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे बहुत अच्छे एनिमेशन वाले वीडियोज़ होते हैं जो आप बच्चे को दिखा सकते हैं कि ये लाइनिंग है और ये लाइनिंग जो है हर 28-30 डेज के बाद जो है वो चेंज होती है और इसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, बजाय कहानियाँ बनाने की या गंदा खून या बाकी सब चीज़ें बोलने की। और बच्चों को भी बताएं कि अगर वो किसी को देखता है उसको अट्रैक्शन होती है तो उसको इरेक्शन होती है, इट्स परफेक्टली नॉर्मल और तेरी उम्र में मुझे भी होती थी, दैट इज़ फाइन। सर इस उम्र में ना कई बार बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि गर्लफ्रेंड क्या होती है या बॉयफ्रेंड क्या होता है, तो पेरेंट को ना उनको आंसर देना चाहिए, ना कि जैसे माँ कहते गर्लफ्रेंड जो तुम्हारे साथ में बैठती है वो लड़की गर्लफ्रेंड है, जैसे तुम्हारा दोस्त फ्रेंड है वैसे वो भी एक फ्रेंड है, जो लड़का है वो बॉयफ्रेंड है, जो लड़की है वो गर्लफ्रेंड है। अब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का तो मतलब बहुत अलग होता है, तो पेरेंट्स को बताना चाहिए कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है वो क्या है, या वो रिलेशनशिप को भी उनको थोड़ा थोड़ा सा बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। बल्कि आजकल तो कार्टून्स में ही गर्लफ्रेंड होती हैं, और नोबी तक भी तो शायद एक मूवी आई थी उसमें शादी भी हो गई थी जिसकी गर्लफ्रेंड का मुझे नाम याद नहीं, जिससे उसकी शादी हुई थी, जी हाँ तो मुझे ध्यान आ रहा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सेक्स के बारे में नहीं बता रहे, हम रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं। और बॉयज़ को इसी एज में ये भी सिखाना चाहिए कि आपको फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और फीमेल्स को भी ये सिखाना चाहिए कि बॉयज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कों की ही है और लड़कियों की जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल तो दोनों ही आस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक आस्पेक्ट और भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम पेरेंट एज ए पेरेंट्स या बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो होता क्या है कि उनका जो दोस्त होता है, उनका जो बड़ा भाई होता है, कहीं से ऊपर से नीचे इन्फॉर्मेशन आती है और वो पता लग ही जाता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और दूसरी बात यह है कि कई बार गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आ सकती है, कई सारे मिथ्स जनरेट हो सकते हैं, खासकर लड़कों में स्पर्म्स को लेके बहुत ही ज़्यादा वो क्यूरियोसिटी होती है और डर भी होता है कि कोई बहुत महंगी चीज़ है जिसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे वो वीडियोस देखते हैं तो उनको लगता है कि हमारे को कमज़ोरी महसूस हो रही है, फिर जब उनका रात को अगर अंडरवियर ख़राब हो जाता है तो वो बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हम बच्चे को सही समय पर बताएँ, उसका मतलब बताएँ कि बिल्कुल नॉर्मल है। मुझे आज भी ध्यान है 40 ईयर्स के जेंटलमैन थे जिनको मैंने डिप्रेशन के लिए ट्रीट किया था, तो उन्होंने मुझे इसमें शेयर किया था कि अब तो मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, बट तब मैं इतना घबरा गया था कि 10-15 साल तक मेरा कॉन्फिडेंस नॉर्मल नहीं हो पाया और मैं किसी से शेयर भी नहीं कर पाता था। तो ये चीज़ें अगर ओपनली बात की जाएंगी और ये बताया जाएगा कि ये नॉर्मल डेवलपमेंट का ही पार्ट है, चाहे वो मास्टरबेशन है चाहे नाइटफॉल है, और इसमें कोई एनर्जी वनर्जी कम नहीं होती है, जैसी बॉडी में बाकी चीज़ें बनती हैं ये भी चीज़ें बनती हैं और ये ज़रूरी भी हैं उम्र के साथ, तो बच्चे जो है काफ़ी कम्फर्टेबल फील करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से और सारिका मैम की तरफ से। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने बच्चों से बात करेंगे, उनकी क्वेरीज का आंसर देंगे और वो कंफर्टेबल फील करेंगे और आपका रिलेशन जो है उनसे बेटर हो पाएगा। धन्यवाद।